नमस्कार मेरे प्यारे कृष्ण भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द टेक्निकल किसान प्रवीण राजपूत में। दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा, इस पर आपको खेती संबंधित जानकारी आपके मिलती रहेगी। नई नई जानकारी जो आती है वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो उस नई जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो आपके किसान भाई हैं उन्हें भी इसके बारे में बताएँ, उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करवाएँ, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं आज DKC 91 मक्का जो आती है, डिकाल्व जो बायर कंपनी की मक्का आती है, DKC 91 उस कंपनी ने एक मक्का लॉन्च की है 92 उस वैरायटी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उस वैरायटी में सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो उस मक्के के सन 2021 में जो डेमो लगे थे, कंपनी ने डेमो जो लगवाए थे, उन डेमो में सबसे बम्पर पैदावार कटी है। और जो पैदावार कटी है वो नॉर्मली 8 क्विंटल, 9 क्विंटल, 10 क्विंटल, ये 3 कैटेगरी में उस कंपनी ने मक्के जो डेमो लगवाए थे उसमें वैरायटी में वो कटे हैं। अब दिक्कत ये आती है कि 8 की कहाँ कटी, 9 की कहाँ कटी, 10 की कहाँ कटी। तो डिस्ट्रिक्ट कासगंज में मैंने कई फार्मरों के यहाँ लगवाई थी वो मक्का। मैं पिछली ईयर जो है सन 2021 की बात करूँ तो मैं DKC 91 जो मक्का आती है बायर कंपनी की, उसी में कार्यरत था और वो मैंने डेमो उसमें लगवाए थे। तो दोस्तों, उसी के बारे में बताने वाला हूँ, वो पैदावार घटती बढ़ती कैसे है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना है क्या, जो उसके तरीके हैं वो कैसे लगानी है, कितनी उसमें डोज डालनी है खरपतवार। तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो अंतर आया वो किस तरीके से आया, उसमें करना क्या है आप लोगों को। एक तो सही मात्रा में बीज का चयन करें, सही मात्रा में फर्टिलाइजर का चयन करें, सही खेत चयन करें जिसमें पानी का निकास हो, पानी की सुव्यवस्था हो, अच्छा पानी लगाने की व्यवस्था हो, उसमें एक समान समतल खेत हो आपका, पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो, लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो, और जो बुवाई जो हम सोइंग करते हैं वो कैसे लगानी करनी है आपने। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सारी वो जानकारी बताने वाला हूँ जिससे कि आप भरपूर मात्रा में पैदावार ले सकें। दोस्तों, करना क्या है आपने, सबसे पहले अगर DKC 92 मक्के की बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको करना है लेके बीज 1 किलो 800 ग्राम तक उसका बीज लें, और 1 बीघा की जो मैं डोज बता रहा हूँ आपको, वो 1 बीघा की डोज बता रहा हूँ, 1 किलो 700 ग्राम से लेके 1 किलो 800 ग्राम तक का बीज लें, लाइन से लाइन की दूरी और दाने से दाने की दूरी, दाने से दाने की दूरी 10 से 12 इंची, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 1.5 से 2 फुट। दोस्तों, उस मक्के को ज़्यादा मात्रा में काटने के लिए सबसे करना है पहले अपने करना क्या है, जो बीज की मात्रा है वो मैंने आपको बता दी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी लेनी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है बीज को शोधन कैसे दवा से करें हम। अगर बीज को शोधन करना है तो एक सजेंटा कंपनी की दवा आती है फोर्टेंजा ड्यू, जो 30 ml की यूनिट आती है, उस दवा को ले लें। पैकिंग साइज उसके कई और भी आते हैं। 1 किलो बीज में उसकी बात करें तो 6 ml दवा आप लें, बीज को अच्छी तरीके से शोधन उसका कर लें। उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो तना छेदक मक्खी जो लगती है, ज़मीनी कीट जो लगते हैं, वो आपके मक्के में शुरुआती दौर में कोई नुकसान नहीं करेंगे। वहाँ भी आपकी एक पैदावार को लेके, वहाँ आप जो पौधा बचेगा वो आपको पूरा पैदावार देगा। तो शुरू से लेके एंड तक हमें पौधे की सुरक्षा करके बनाए रखनी है। ये बात होगी बीज शोधन की। उसके बाद करना क्या है आपने, जैसे ही आपकी 2 से 4 पत्ती की मक्का हो जाए, उस कंडीशन में जाके भाई लोगों कोई हल्का सा इंसेक्ट शेड लें और उसका स्प्रे कर दें। जैसे मान के चलो एवामेक्टिन ले लें मार्केट से, समयों वाली जो दवा बोलते हैं एवामेक्टिन आता है, उसे आप 10 से 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लेके बढ़िया से उसका स्प्रे कर दें, 2 से 4 पत्ती ये मक्का आपकी जब हो जाए तो उस कंडीशन में, ठीक है ना दोस्तों। अब आती है बात हर्बिसाइड की, खरपतवार की। तो खरपतवार में मक्के में बात करें तो खरपतवार भाई लोगों कम से कम आपने मक्के में 40 दिन तक खरपतवार से मुक्ति अगर आपने मक्का में रख ली तो आपकी मक्के में पैदावार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 40 दिन के बाद जो मक्के में आपकी खरपतवार होती है उससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं इसी बात में आपको बता दूं, जो मक्के में हर्बिसाइड की बात करें तो कई सारे हर्बिसाइड मार्केट में चल रहे हैं। एक सजेंटा कंपनी ने लॉन्च किया हर्बिसाइड जो बहुत अच्छे, उसके रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। मैंने कई प्लॉटों में उसका विजिट भी किया है और देखा भी है। उस दवा का एक कंडीशन है उसमें, वो कंडीशन ये है कि छोटी छोटी स्टेज में आप उसे घास पे इस्तेमाल करें, लगभग सारी घासें वो मार देती है, ये यहाँ तक कि वो मोथा भी मार देती है। अगर उसकी रेट की बात करें तो लगभग 1500-1600 रुपये उसका एकड़ में खर्चा उसका आता है हर्बिसाइड का।
उस दवा का नाम है कैलिस एक्स्ट्रा, सजेंटा कंपनी की दवा है कैलिस एक्स्ट्रा। उसे आप 2 से 4 पत्ती की जो खरपतवार हो जाए उस पर लगा दें। एक बात और ध्यान रखें, जब आप किसी भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें उस कंडीशन में आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, पैर चिपक रहे हों जमीन में, उस कंडीशन में आप अपने खेत में स्प्रे उस चीज़ का करें, ठीक है ना दोस्तों। जो मैं आप हर्बिसाइड की जो दवा बता रहा हूँ उसका नाम जो कैलिस एक्स्ट्रा है उसकी यूनिट आती है 1400 ml की, 5 बीघा के लिए 1400 ml की यूनिट आती है, जो एक टंकी में 140 ml डालें और पर्याप्त खेत में नमी हो उस पीरियड में आप उसका स्प्रे कर दें, वो लगभग सारी घासें ख़त्म कर देगी, ठीक है ना मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका पौधा 4 से 5 पत्ती 4 से 6 पत्ती का हो जाए उस कंडीशन में जाके आपने एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें ज़रूर उस पीरियड में। एक अगर मैं दूसरा और बात करूँ, सजेंटा कंपनी का ही प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है एम्प्लीगो जिस दवा का नाम है, उस दवा का 8 से 10 ml पर टंकी के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें आप, 10 ml पर टंकी ले लें, वो लगभग सारे इंसेक्ट आपके मार देगी, वो आपका लार्वा भी ख़त्म करेगी। एक चीज़ और भाई लोगों को बता दूँ, जो मक्के में कुछ सालों से आपने देखा होगा कि इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है, सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है मक्के में, स्पेशली स्प्रिंग वाली की बात नहीं कर, स्प्रिंग वाली में थोड़ा कम आता है लेकिन खरीफ वाली में बहुत ज़्यादा समस्या सुंडी की रहती है। तो उसी से समाधान के लिए मैं एम्प्लीगो के बारे में बताने वाला हूँ। जो एम्प्लीगो आती है सजेंटा कंपनी की, उसका स्प्रे कर दें आप, 6 से 8 पत्ती लगभग पौधा आपका उस पीरियड में आप उसका स्प्रे कर दें, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी उसमें, ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है जब मक्का हमारी घुटने अवस्था में हो जाती है, उस टाइम क्या करना है, आपने कम से कम 10 किलो बिया की यूरिया पानी के साथ दे दें उसमें, वो ग्रोथ में काम करेगी आपकी, बढ़िया काम करेगी। और एक चीज़ और, इस पीरियड की मक्के में नॉर्मली जो है अपने खेत के अनुसार पानी जब भी खेत मांग रहा है आपका उस कंडीशन में आप पानी ज़रूर लगा दें, ठीक है ना दोस्तों। मक्का हमेशा सिंचाई करनी चाहिए पेल के, जैसे बांधते हैं ना एकदम कटा आपने डाल दिया, उस तरीके खेत की भराई ना करें, हल्की सिंचाई करें खेत की। मक्का क्या है, अगर आप पेल के पानी लगाते हो ना, समर आजकल हर क्षेत्र में समरें लगी हुई हैं, तो समर में क्या करते हैं किसान भाई, एक कटा पानी उसमें चला देते हैं, उसमें कंडीशन ये रहती है कि आपका खेत जो है, मक्के का खेत जो है बैठ जाता है, उस कंडीशन में आप मक्के की सिंचाई करें हल्की हल्की, पानी थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन सिंचाई करें, उसमें आप सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है घुटनों की अवस्था में। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, सजेंटा कंपनी ने उसकी एक दवा और आती है जिसका नाम है एविशेंट, एक एविशेंट नाम से दवा आती है जो फॉल आर्मी बर्म, जो सुंडी चल रही है अभी इस टाइम, उस कंडीशन में एविशेंट का आप स्प्रे कर दें, या फिर कोत कोत में जो मक्के का कोत रहता है उसमें जगह जगह आप बोतल में एक सूरा करके उसका होल बना के बोतल में, और बोतल में दवा भर के उसका पौधे पौधे में उसका डाल दें, ठीक है ना दोस्तों। उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो सुंडी गोमदे में बैठी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ का आप उस टाइम कंडीशन में आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात रही आपकी जो लास्ट जब आप पुष्पण अवस्था होती है उस टाइम भी आपको खेत में नमी पर्याप्त बना के रखनी है। उस कंडीशन में भी अगर आपके खेत में सूख जाता है खेत, उस टाइम भी अगर प्राकृत की अवस्था में अगर खेत सूखता है तो दाने बनने की शिकायत आ सकती है, दाना नहीं बनेगा उसमें, भुट्टे खाली रह जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो वैज्ञानिकों ने शोध किया उसके बारे में, मक्के में एक आपने पैकेट देखी होगी DKC, उस पर पीछे लिखा रहता नोट करके, उस पर ये लिखा रहता अगर जो टेम्परेचर रहता है वो अगर 11 डिग्री से नीचे और 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। ये जो समस्या आ सकती है कि दाना नहीं पड़ा साहब उसमें, तो ये समस्या आती है 35 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो उसमें ये समस्या आ जाती है, वो लगभग सारी वैरायटियों में ये समस्या आती है, कहीं कहीं ऐसा रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने खेत में पर्याप्त नमी बना के रखें जिससे कि ये समस्या नहीं आए। एक चीज़ और दोस्तों, उस टाइम पीरियड में जो आप पानी लगाएं पुष्प अवस्था में, उस टाइम एक थोड़ा सा और काम करना है, 5 किलो बिया की यूरिया और 3 किलो बिया की पोटास फेंटे पे तो नहीं घुलेगी, तो उसे आप 1-2 दिन पहले उसे घोल बना के उसका क्यारी के हिसाब से अपना उसे घोल बना लें। मान के चलो अगर आपके 1 एकड़ में 10 क्यारी है तो 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लें, प्रत्येक क्यारी में 1-1 लीटर उसका डाल दें, ठीक है ना। किसी से नपना ले लें, उस तरीके से आप उसका घोल बना के क्यारी बाय डाल से फायदा क्या होने वाला है, तो दोस्तों इस चीज़ का फायदा ये होने वाला है कि जो आप उस कंडीशन में पोटास जो डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उसका ये फायदा होने वाला है कि आपके दाने का साइज, दाने की चमक, दाने का वजन, ये पूरा तीनों चीज़ें बढ़ने वाली है। अगर मान के दाने की साइनिंग बढ़ेगी तो मार्केट में अच्छे रेट उसका मिलेगा, वजन भी बढ़ेगा,
चमक भी मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये काम आपको जब जरूर करने हैं बढ़िया मक्के की पैदावार लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और आगे नई वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे सेंड कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।